नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी को चाहते हैं तो आपके मन में भी ये भावना आती होगी कि किसी भी प्रकार से आपको पा लिया जाए, लेकिन आप लोग ये भी नहीं जानते कि किसी को पाना इतना आसान नहीं होता। कुछ पाने के लिए वह उसे अपना बनाने के लिए कुछ प्रयत्न तो ज़रूर करने पड़ते हैं, कुछ जतन करने पड़ते हैं। तो अगर आप भी किसी को पाना चाहते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं तो आज आप जानेंगे कुछ सरल और आसान उपाय जिससे आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, दुश्मन हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप बेहद मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये विधि इतनी शक्तिशाली है, इसे बाद में उतारा नहीं जा सकता। तो आप इसका उपयोग सोच समझकर ही करें। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि ये उपाय आपके किसी भी बुरे मतलब के लिए नहीं करना होगा। आपने ये विधि सिर्फ शुद्ध और साफ भावना से करनी होगी। आपका मकसद इस प्रयोग से किसी को हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस विधि के लिए आपको चाहिए सिर्फ थोड़ी सी चाय पत्ती, सफ़ेद कागज़ और एक लाल पेन। दोस्तों, विधि को करने के लिए आपको सबसे पहले उस कागज़ पर आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखना होगा जिसे आप वश में करना चाहते हैं, और फिर आपने उसके ऊपर एक मुट्ठी चाय पत्ती डाल देनी है। जैसा कि हम आपको करके बताते हैं, और फिर उस कागज की पर्ची बनाकर अपने दाहिने हाथ में ले लेनी है, और फिर आपने अपने आगे एक दीपक या मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर 7 बार मंत्र के साथ घुमाना है। जैसा कि आपका नाम रमन है और आप जिस पर वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम सीमा है, तो आपके लिए मंत्र होगा ओम वशीकरण नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपने उस कागज को किसी भी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है, और यकीन मानिए जैसे ही आप ये कार्य करके अपने घर पर वापस आएंगे, जिसका नाम आपने कागज पर लिखा है वो आपके वश में हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मंत्र सबके लिए अलग होता है, एक ही मंत्र सब नहीं कर सकते। हर किसी के लिए उसके नाम व राशि के अनुसार मंत्र अलग अलग होते हैं, और वो मंत्र सिद्ध भी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने और अपने प्रेमी या प्रेमिका के नाम के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार मंत्र जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, अपना मंत्र ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कारणवश में कार्य करने में असमर्थ हैं तो आप ये कार्य स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके गुरु माता जी से करवा सकते हैं। तो आप ये कार्य स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके गुरु माता जी से भी करवा सकते हैं। तो देर न करें, जल्द से जल्द हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करें और व्हाट्सएप करें। जय माता दी।